नमस्कार। आज मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए उनके सब्जेक्ट मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग यानी ME 309 का टॉपिक एस्टिमेशन इन फाउंड्री शॉप लेकर आया हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाउंड्री शॉप क्या होती है, यानी ढलाई साला। फाउंड्री शॉप वह शॉप है जिसमें धातु को भट्टियों में पिघलाया जाता है और पैटर्न द्वारा बनाए गए सांचों में उनको डाला जाता है, जिससे कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, अवांछित जो उत्पाद है, उसकी हमें ढलाई प्राप्त होती है। अर्थात पिघले हुए धातु से सांचों में डालकर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह फाउंड्री शॉप के अंदर प्राप्त होता है हमें। यहाँ हमने एक शब्द काम में लिया, पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है पहले ये जानना ज़रूरी है। पैटर्न जो होता है वह कास्ट करने वाले उत्पाद के मॉडल को पैटर्न कहते हैं। अर्थात जो उत्पाद हमें बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्रतिमूर्ति के रूप में एक मॉडल बनाते हैं हम, जिसको कि सांचों में, जिससे कि हमें सांचे बनाए जाते हैं और सांचों में मेटल डाल के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी जो डायमेंशंस होती हैं विमाएं, वो वास्तविक जो वो प्रोडक्ट होता है उससे कुछ ज़्यादा होती हैं। इसमें हम कुछ छूट का ध्यान रखते हैं, जैसे श्रिंकेज अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंसेज, मशीन अलाउंसेज आदि। इनको हम जो प्रोडक्ट के जो डायमेंशंस है उनमें हम जोड़ देते हैं, और इस प्रकार जो पैटर्न होता है वो वास्तविक उत्पाद के साइज से बड़ा होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब धातु गर्म अवस्था में होता है तो फैला हुआ रहता है, परंतु जब वो ठंडा होता है तो वो श्रिंक होता है, संकुचित होता है, इससे डायमेंशंस कम हो जाती हैं। तो हम अगर प्रोडक्ट के डायमेंशंस के बराबर ही पैटर्न लेंगे तो उससे हमें छोटा उत्पाद प्राप्त होगा। इसलिए हम जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी डायमेंशन से हम बढ़ा लेते हैं, ताकि वो संकुचित होके प्रोडक्ट के बराबर बन जाए। तो ये कुछ अलाउंसेज थे जिसको हम इसमें इनका ध्यान रखते हैं। जो पैटर्न है उनको हम लकड़ी से, धातु से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टिक से, इनसे किसी से भी हम बना सकते हैं, परंतु छोटे जो सूक्ष्म कार्य हैं उनके लिए हम वैक्स यानी मोम को काम में लेते हैं पैटर्न बनाने के लिए। अर्थात मोम का पैटर्न हम यूज करते हैं। जहाँ पे कम संख्या में कास्टिंग या ढलाई बनानी हो तो वहाँ पे हम लकड़ी का पैटर्न यूज करते हैं, क्योंकि यह सस्ता होता है, उस पर काम करना आसान होता है, हल्का होता है। तो ये कुछ इसकी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से हम इसको काम में लेते हैं। परंतु अगर जो प्रोडक्ट है उनको की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम मेटलिक या धात्विक पैटर्न काम में लेते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं यानी लंबा चलने वाले होते हैं, इनकी आयु ज़्यादा होती है और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जो वायुमंडलीय जो प्रभाव है उन पे नहीं पड़ता है, तो अतः ये टिकाऊ से होते हैं। तो इनको हम काम में लेते हैं जबकि हमें अधिक संख्या में प्रोडक्ट बनाने हों। अब पैटर्न अलाउंस यानी पैटर्न में जो छूट देते हैं हम अलाउंसेज, वो कौन कौन से होते हैं और किस हिसाब से देना चाहिए ये हम देख लेते हैं। जो पैटर्न बनाते वक्त जो महत्वपूर्ण जो छूट हैं उनमें हम इन छूटों का ध्यान रखते हैं। जैसे पहला है कॉन्ट्रैक्शन और सिंकेज अलाउंस यानी संकुचन अलाउंस छूट, संकुचन छूट। दूसरा है मशीनिंग अलाउंस या मशीनन छूट, और तीसरा है ड्राफ्ट अलाउंस या ड्राफ्ट छूट। तो पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस क्या होता है। जब हम धातु को गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो वो ठंडे होके संकुचित होते हैं, परंतु अलग अलग धातुओं में संकुचन जो रेट है, दर है, वो अलग अलग होती है। तो इसके लिए फिर हमें इनकी छूट जो है वो भी अलग अलग लेनी होती है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं उनकी जो संकुचन छूट जो हम लेते हैं वो निम्न प्रकार से हैं: कास्ट आयरन,
यानी ढलवा लोहा, उसमें हम 10 mm पर मीटर लेंथ अर्थात 1 मीटर लंबाई में हम 10 mm की छूट मानते हैं, अर्थात हम उसमें अतिरिक्त लंबाई जोड़ते हैं। ये ब्रास में 15 mm पर मीटर लेंथ है, एल्युमिनियम में 13 mm पर मीटर लेंथ है और स्टील में हम 21 mm पर मीटर लेंथ लेते हैं। तो ये हम कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस या श्रिंकेज अलाउंस रखते हैं। दूसरा अलाउंस है मशीनिंग अलाउंस या मशीनन छूट, जो जिस कास्टिंग में जिस भाग की हमें जिस सतह की हमें मशीनिंग करनी होती है, यानी उसको मशीनन जिस पर कोई प्रक्रिया करनी होती है ढलाई के बाद, उसको हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ताकि वो फिनिशिंग के बाद अपने वास्तविक डायमेंशन में आ जाए। तो ये जो अलाउंस जो अमाउंट जो हम देते हैं वह मशीनिंग या फिनिशिंग अलाउंस कहलाता है। यह भी कार्य के प्रकार और कार्य की क्वालिटी पर निर्भर करता है। यह अलाउंस जो है उन पर डिपेंड करता है कि हमें किस क्वालिटी का या किस नेचर का वर्क को बनाना है, सरफेस को बनाना है। तीसरा अलाउंस है ड्राफ्ट अलाउंस। यह अलाउंस जो सांचे में से पैटर्न को आसानी से निकाल सकें उसके लिए यह अलाउंस दिया जाता है। इसके लिए हम जो पैटर्न होता है उसको थोड़ा कोणीय बनाते हैं, टेपर बनाते हैं, जिससे कि वो निकालने में आसानी रहे और बिना मोल्ड को ख़राब किए हुए वो निकल जाए। तो यह हमें अतिरिक्त अलाउंस देना होता है, इसे हम ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। अब जब पैटर्न बनाते हैं तो उसका जो एस्टीमेशन है कॉस्ट का वो हम कैसे निकालते हैं, यानी पैटर्न को बनाने में जो खर्चा लगता है उसकी हम गणना कैसे करते हैं, इसको हम इस टॉपिक में इसमें समझना चाहेंगे। एस्टीमेशन ऑफ पैटर्न कॉस्ट को हम 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी सीधा जो पदार्थ का पे खर्च लग रहा है, लागत उस पर वो है। दूसरा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी सीधी श्रम लागत। और तीसरा है ओवरहेड्स या ऊपरी खर्चे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का एस्टीमेशन के लिए हम जो मेटल चाहिए पैटर्न को बनाने के लिए वह हम निकालते हैं और उससे हम जो मेटल है उसकी जो पर केजी जो भी रेट होगा, पहले हम उसके लिए वॉल्यूम निकालते हैं और वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो कैलकुलेट हो जाता है। डिटरमाइनिंग दिस कॉस्ट उस सुटेबल अलाउंस इज प्रोवाइडेड, यानी जो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि पैटर्न में हम कुछ अलाउंसेज यानी छूट का प्रावधान रखते हैं, तो हमें इस पैटर्न की कॉस्ट निकालते वक्त उन अलाउंसेज को पहले से ही उसमें गणना करनी होती है ताकि जो मटेरियल लगे पैटर्न में वह सही आए। तो इसलिए हमें उसका पैटर्न कॉस्ट का एस्टिमेशन से पहले उनके अलाउंसेज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो टाइप था लेबर कॉस्ट यानी श्रम लागत। यह श्रम लागत निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है, फिर भी हम इसको 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तो जो एस्टिमेटर है यानी जो आगणन है करने वाला है वह अपने अनुभव के आधार पे उस पर्टिकुलर पैटर्न को बनाने में कितना समय लगेगा उसकी कैलकुलेशन कर लेता है, क्योंकि उसको अनुभव होता है कि वो देख के बता सकता है कि इस पैटर्न को बनाने में इतना समय चाहिए। तो उस समय की को एक्सपीरियंस के आधार पे जज करते हुए उसकी फिर वो श्रम लागत निकाल सकते हैं। तो उसको पर ओवर जो भी लेबर कॉस्ट होती है उसे मल्टीप्लाई करके वह लेबर कॉस्ट निकाल लेता है। और दूसरा तरीका यह होता है कि पहले कभी इसी प्रकार का कार्य किया गया हो, अर्थात पैटर्न जो पहले भी कभी इसी लगभग उसी जैसा पैटर्न कभी बनाया गया हो तो उसमें कितना समय लगा था उसका उसको ध्यान में रखते हुए भी लेबर कॉस्ट निकाली जा सकती है। तो ये 2 तरीके होते हैं लेबर कॉस्ट निकालने के।
फिर है ओवरहेड्स यानी ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चों में जो सुपरवाइजर्स हैं या इनडायरेक्ट लेबर चार्जेज हैं या जो टूल्स और मशीन हैं उनका जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, वो सारे खर्चे ऊपरी खर्चे या अन्य खर्चों में आता है। इसको जनरली हम जो टोटल कॉस्ट आती है उसके प्रतिशत या परसेंटेज के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जो यह भी पिछले अनुभवों के आधार पर ही गणना की जाती है कि कितना परसेंट टोटल कॉस्ट का ऊपरी खर्चे होते हैं। तो ये पुराने अनुभव के आधार पर हम इसको फिक्स करते हैं। अब पैटर्न बनाने के बाद उससे हम कास्टिंग बनाते हैं, तो उस कास्टिंग की गणना करने के लिए हम फाउंड्री शॉप में कैसे गणना करते हैं उसको हम देखते हैं। फाउंड्री कॉस्ट निकालने के लिए हम उस फाउंड्री कॉस्ट को भी हम तीन मुख्य उनमें वर्गों में बांट सकते हैं, मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ऑन कॉस्ट। फाउंड्री शॉप में कई प्रकार के प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे मोल्डिंग, मेल्टिंग, पोरिंग, कास्टिंग, फैटलिंग एट्सेट्रा। तो ये सारी प्रक्रियाओं में सामान भी लगता है और लेबर भी लगती है, तो उनकी हमें कॉस्ट निकालनी होती है। तो मेटेरियल कॉस्ट के अंडर में जो फाउंड्री में होता है उसमें जो ये ऊपर के जो भी सारे ऑपरेशंस बोले थे मैंने, इन ऑपरेशंस में लगने वाले मेटेरियल पे जो खर्चा आता है वह मेटेरियल कॉस्ट कहलाता है। तो उन सब की गणना हम कर लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो उससे मेटेरियल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। दूसरा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में जो भी इन ऑपरेशंस को करने के लिए श्रम जो श्रम किया गया है उसकी हम लागत निकालते हैं, तो वह लागत श्रम लागत या लेबर कॉस्ट कहलाती है। और ऑन कॉस्ट यानी अतिरिक्त खर्चे, जो भी ऊपरी खर्चे हैं इसमें सारे वो खर्चे आ जाते हैं जो कि मेटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, वो सारे खर्चे ऑन कॉस्ट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम फाउंड्री कॉस्ट अगर हमें निकालनी है, फाउंड्री शॉप के अंदर जो हमने खर्चा किया है वह इन तीनों कॉस्ट का योग होता है। जैसे इसको हम अगर फॉर्मूले में दिखाना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाउंड्री कॉस्ट इज इक्वल टू मेटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ऑन कॉस्ट। अर्थात जो फाउंड्री का जो लागत है वह पदार्थ की लागत प्लस श्रम की लागत, श्रम लागत प्लस अतिरिक्त खर्चे, ऊपरी खर्चे, इन तीनों का जो सम या योग होता है वह फाउंड्री कॉस्ट होता है। धन्यवाद।